नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर और यूपी टीजीटी पीजीटी नियुक्ति तिथि घोषित, ये जानकारी आपको दी जाएगी। और टीजीटी पीजीटी 31 दिसंबर तक हो जाएगी नियुक्ति, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये सरकार की तरफ से यूपी टीजीटी पीजीटी का नियुक्ति की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। तो देखिएगा, ये एक बड़ी खुशखबरी है। और समाचार पत्रों में भी ये जानकारी आई है, जिसमें दिया गया है कि 31 दिसंबर तक जो माध्यमिक के जो पद है 4163 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। इसके अलावा 500 से 600 पद जो हैं वो वेटिंग वाले हैं, जो पिछली भर्तियों के 2021 की भर्ती रही हो या 2016 की जो भर्ती थी उनके जो वेटिंग वाले पद हैं। तो इन सभी पदों पर नियुक्ति देखने को मिलेगी 31 दिसंबर तक। तो देखिएगा, ये जानकारी निकल कर आई है कि 31 दिसंबर तक इसमें नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होती है। इसमें जो पूरी प्रक्रिया होगी उससे पहले आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, रिजल्ट उसके बाद में जारी किया जाएगा, उसके बाद में पीजीटी के लिए इंटरव्यू का आयोजन होगा। हालांकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, तो काफ़ी ये लंबी प्रक्रिया होती है। हालांकि यदि सरकार चाहे तो जल्द से जल्द ये हो सकता है। और अभी मई का समापन हुआ है और इसके बाद में दिसंबर तक देखा जाए तो 6-7 महीने अभी बाकी है। और पूरी भर्ती की प्रक्रिया में लगभग 4-5 महीने का समय लग जाता है। तो देखिएगा, इसमें आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं, अब केवल परीक्षा होनी बाकी है। तो जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, जिसकी ये संभावना है कि जून में इसका गठन देखने को मिलेगा, उसके बाद में लगभग 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। देखिएगा, 2 महीने का समय यदि दिया जाता है तो ये मानकर चलिएगा अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है, जिसकी प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खुशखबरी है, परीक्षा कभी भी हो, लेकिन ये जो जानकारी निकल कर आई है कि दिसंबर तक इसमें नियुक्ति दे दी जाएगी। और अगर नियुक्ति दे दी जाती है दिसंबर तक तो ये बड़ी खुशखबरी है, इससे बड़ी खुशखबरी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं हो सकती। तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, क्योंकि जल्द ही आपकी ये परीक्षा का आयोजन होगा और इसमें जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। बस अभी जो सबसे ज़्यादा जो वेट जो किया जा रहा है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का वेट किया जा रहा है। जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद में आपको तेजी देखने को मिलेगी, खासकर इन भर्तियों में जिनमें पहले आवेदन लिए जा चुके हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है इनमें सबसे पहले परीक्षाएं होंगी और जल्द ही ये भर्ती आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। तो देखिएगा, दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा और मान के चलिएगा परीक्षा में 2-2.5 महीने का समय अधिकतम आपको मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा, और क्योंकि समय अब कम रह गया है और जो अभ्यर्थी निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जनसैलाब, 4163 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ था और 13 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किए थे। और इतने ज़्यादा आवेदक हैं और पदों की संख्या बहुत कम है। यदि इसको सभी सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जिस सब्जेक्ट की जितनी वैकेंसी है, फिर उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो पद काफ़ी कम रह जाते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं,
तो ऐसे जो अभ्यर्थी जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनके चांस ज़्यादा हैं। अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करिएगा। और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप भी लग जाइएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, 10 से 12 घंटे का समय डेली आप देंगे, तो आप भी चयन पा सकते हैं। और देखिएगा, इस भर्ती में जैसा कि अब ये देखने में आ रहा है कि बहुत जल्द ये भर्ती होगी, तो इसमें कितना समय यदि आप तैयारी करें जिससे कि चयन हो जाएगा। देखिएगा, कुछ तो तैयारी आपने की ही होगी, बेस तो आपका कंप्लीट होगा ही, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो। कम समय में यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरी आपको एक प्लानिंग करनी होगी, पूरा अपना एक रूटीन तैयार करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। जो भी आपका टाइम टेबल होगा, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। और कम समय में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो रणनीति है वो कारगर होनी चाहिए, रणनीति आपकी सही होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आपको केवल पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, और सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक हैं, टॉपिक टू टॉपिक आपको तैयार करने हैं। क्योंकि बाज़ारों में पुस्तकें सब तरह की उपलब्ध हैं, जहाँ पे TGT PGT का आपको मिक्स कंटेंट भी मिलेगा, तो इस चीज़ से आपको बचना है। केवल प्रमाणिक पुस्तकों का ही आपको अध्ययन करना है, और जो भी आपका सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, वे टॉपिक आपको ध्यान से देखने हैं और उन टॉपिक के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। और एक चीज़ इसमें ज़रूर आप शामिल करें, एक प्रैक्टिस सेट आप डेली ज़रूर निकालें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो यदि कम समय में आप तैयारी करते हैं, तो रणनीति के हिसाब से ही आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी यदि सही रणनीति होगी, पढ़ने की जो दिनचर्या है वो आपकी सही होगी, नियमित होगी, तो निश्चित ही अभी से आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि यदि मान के चलिएगा 2 से 2.5 महीने का समय आपको मिलता है, तो इसमें आप यदि 8 से 10 घंटे या इसको बढ़ाकर 12 घंटे तक किया जा सकता है और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतना समय आपको देना होगा। लेकिन एकदम से 12 घंटे पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, तो इसके लिए आपको शुरुआत 3 से 4 घंटे से करनी होगी। धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाइएगा और इस टाइम को आप कम से कम 10 से 12 घंटे तक लेके जाएं। यदि आप निरंतर इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, अपने छोटे छोटे टारगेट आप बनाएं, टारगेट आप ऐसे बनाएं जिसको आप अचीव कर सकें। एकदम से बड़ा टारगेट यदि आप रखेंगे, तो आप उसको केवल पन्ने पलटने में ही आप रह जाएंगे, पेजों को पलटते रह जाएंगे। तो आपको जो रणनीति बनानी है, वो रणनीति इसी हिसाब से बनानी है जिसमें कम समय में आप तैयारी कर पाएँ। तो इतना समय आपको कम से कम देना होगा, और अच्छी जो अध्ययन सामग्री है उन्हीं से आपको तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं कि कम समय में कैसे तैयारी करें, तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इस तरह के वीडियो दिए गए हैं, बहुत ही कारगर वीडियो है। यदि उनको आप फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।